जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश T20 लास्ट मैच की, जो कि दोस्तों ये मुकाबला के ET बनाम GLO के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। फ्रेंड्स इसमें फैंटेसी टिप्स के यहाँ पिच रिपोर्ट कैसी है, टीम में कोई अपडेट तो नहीं हुआ है, आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर मिलेगी फ्रेंड्स। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों KET से वैन कैप्टन, जैक क्रोएली, जोएल जेन, जैक लेनिंग, सेम बिलिंग्स, जॉर्डन कॉक्स, जोयाबिसन, ग्रैंट स्टवार्ट, मैथ्यू क्विंट, अराफत वियान, माइकल ओगान। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि KET की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट टाइम बात करता हूँ GLO की प्लेइंग 11 की। वी चार्ल्स बॉर, वैन वेल्स, मार्कस हैरिस, जेम्स वेरिस, ओलिवर प्राइस, जैक टेलर, जफर गोहर, टॉम प्राइस, टॉम स्मिथ, अजीत, PB मेकरन। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि GLO के प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट एंड बात करता हूँ वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की। तो बता दूँ दोस्तों ये मुकाबला 24 मई वेडनेसडे को 11 बजे से ये मुकाबला दोस्तों ST लॉरेंस ग्राउंड में ये मुकाबला खेला जाएगा। बात करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ की पिच रिपोर्ट की, तो बैटर्स के लिए पिच ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। हालांकि दोस्तों स्पिनर्स को इस पिच पर एडवांटेज मिलेगा। जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर आया दोस्तों वो 166 रहा है। वेदर रिपोर्ट की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ का जो टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच होगा, एंड दोस्तों 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा। बात करता हूँ फ्रेंड्स ड्रीम 11 प्रिडिक्शन की। तो दोस्तों KET जो कि गुड फॉर्म में है रिसेंट मैचेस में, इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बने हैं फ्रेंड्स। टॉस प्रिडिक्शन की बात करूँ, आज का टॉस है कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपायर टॉस प्रिडिक्शन, आज का टॉस है दोस्तों वो GLO टॉस जीत सकती है एंड पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है फ्रेंड्स। मैच एक्सपर्ट एडवाइस की बात करूँ तो वैन कैप्टन को एज अ स्मॉल लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो, एंड जैक क्रोएली को दोस्तों एज अ ग्रैंड लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों खिलाड़ी आपके लिए एज अ स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आपके लिए बेस्ट कैप्टन चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। हेड टू हेड की बात करूँ तो दोस्तों KET जो कि 2 मुकाबला जीता है हेड टू हेड, एंड GLO जो कि दोस्तों 1 हेड टू हेड मुकाबला जीता है। अगर आपको लाइव टेलीकास्ट देखना है तो आप फैटकोट पर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो फ्रेंड्स। फैंटेसी टिप्स की बात करूँ दोस्तों तो टॉप ऑर्डर बैटर आप पिक कर सकते हो। डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कराएं उनके लास्ट में दोस्तों विकेट लेने के चांस ज़्यादा बनेंगे, तो आप उनको भी अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन बात करता हूँ विकेट कीपर में, तो विकेट कीपर में आप सेम बिलिंग्स और जेम्स ब्रैसिक दोस्तों आप सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों खिलाड़ी आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन बात करूँ बैटर्स का इस पिच पर जरूर रहेगा फ्रेंड्स। बैटिंग प्रेडिक्शन की बात करूँ दोस्तों तो KET जो कि ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज अ GLO टीम से, तो आप 7 चेयर का कम्बिनेशन अपने फेवर में KET के रख सकते हैं फ्रेंड्स। बात करूँ फ्रेंड्स कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि KET के हैं जिनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये खिलाड़ी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। नेक्स्ट रन बात करूँ वैन कैप्टन अच्छे बल्लेबाज हैं, आप अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। जैक क्रोएली, जोए डेनियल, सेम बिलिंग्स, जोए एविसन एंड मैथ्यू क्विन, दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि KET के मुख्य खिलाड़ी हैं जिनको अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। बात करता हूँ फ्रेंड्स कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि GLO के हैं जिनको अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए। वी चार्ल्स बॉथ, मार्कस हैरिस, जेम्स ब्रेस, जैक टेलर, टॉम प्राइस, टॉम स्मिथ एंड PB मेकरन। दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि GLO के मुख्य खिलाड़ी हैं जिनको अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। बात करता हूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो जैक क्वेरेल को एज अ स्मॉल लीग में आप वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। सेम बिलिंग्स एज द कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर सेलेक्ट करिए फ्रेंड्स, इनको आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे फ्रेंड्स। जेम्स ब्रेसी एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। जैक टेलर एज अ कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको जरूर सेलेक्ट करिए फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। इंजर्ड की बात करूँ फ्रेंड्स तो दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है। जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर मिलेगी फ्रेंड्स। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट। ऐसे ही आपके लिए और फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन आता रहूँगा, तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली प्रेडिक्शन वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे पॉसिबल 11 चैनल की तरफ से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।